हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं Redmi 9 की टच स्क्रीन की जो सप्लाई है वो कहां से कहां तक है। तो सबसे पहले चलते हैं इसके डिस्प्ले कनेक्टर पर, जहां पर इसकी सप्लाई आती है। ये देखिए, इसका डिस्प्ले कनेक्टर है ये, और ये इधर से ये हमारी चार नंबर नीचे से ये चार नंबर पिन है हमारी। ये वोल्टेज की सप्लाई 1.8 की। यहाँ पर देखिए कैपेसिटर दिया हुआ इसकी सप्लाई में, यहाँ से होती हुई फिर देखिए रजिस्टर है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है। यहाँ चलते हैं आगे, यहाँ से होती हुई है फिर देखिए यहाँ पे हमारी पावर आईसी में जाती है इसकी सप्लाई, जो 1.8 की सप्लाई है। और फिर यहाँ से होती हुई है, यहाँ पे देखिए कैपेसिटर पे दिया हुआ है इसका पॉइंट, यहाँ पे भी 1.8 का सप्लाई मिलती है। और फिर देखिए यहाँ पर CPU के बराबर में रजिस्टर है, यहाँ पर आती है। अब देखते हैं इसकी अगली सप्लाई। ये देखिए हमारी इधर से ऊपर से फर्स्ट नंबर पिन है हमारी NTC की, यहाँ से होती है सप्लाई। ये देखिए यहाँ पे ये रजिस्टर लगा हुआ है इसकी सप्लाई में, यहाँ से जंपर कर सकते हैं। फिर ये कैपेसिटर दिया हुआ है, फिर ये सीधा हमारा CPU में जाती है इसकी सप्लाई। अब देखते हैं इसकी अगली सप्लाई। ये देखिए ये जो सप्लाई है हमारी, यहाँ पर रजिस्टर दिया हुआ है इसकी सप्लाई में, यहाँ से होती है। और ये वाली यहाँ पे रजिस्टर दिया हुआ है इसका, इन दोनों का। यहाँ चलते हैं आगे, ये हमारे रीसेट की सप्लाई है और एक ये इंट की, यहाँ से होती है दोनों सप्लाई। और फिर ये सीधा हमारा CPU में जाती है दोनों की दोनों। ये देखिए यहाँ पे, अब देखते हैं अगली सप्लाई। ये देखिए ये हमारी इधर से चार नंबर पिन पर यहाँ से होती है वाली सप्लाई, और ये पाँच यहाँ से होती है पाँच नंबर पिन से, और यहाँ पे देखिए छः नंबर पिन से। और यहाँ पे ये सात नंबर पिन से, ये चारों सप्लाई यहाँ से होती हुई। यहाँ चलते हैं आगे। और फिर ये चारों सीधा हमारा CPU में जाती है। देखिए यहाँ पे जो हमारी टच की सप्लाई है वो सारी CPU में जाती है। देखिए यहाँ पे। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।